अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सना सफिनास का लग्जरी लॉन कलेक्शन में से एक ड्रेस, और स्टिच्ड है ये। ये लग्जरी कलेक्शन है और ये 10,850 रुपीज़ का सूट है अनस्टिच, और हमने इसको स्टिच किया है। सो लेट्स सी हाउ इट इज़। अच्छा जी, ये सबसे पहले तो इसका वोवन नेट का फैब्रिक है। लेंथ हमने इसकी आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या रखी है, बट जो फुल लेंथ जैसे पिक्चर में लॉन्ग बना हुआ था 44 तक लेंथ है, वैसे ही बनाई है हमने। ये इसका एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर है जो हमने यहाँ से अप्लाई करा है, पिंक कलर का ये बॉर्डर है। अच्छा, इसके इनसाइड पर पिक्चर में पिंक कलर का जो है वो कप फैब्रिक लगा हुआ था जो इसके साथ इंक्लूड नहीं था। ये हमने कॉटन सिल्क फैब्रिक को डाई करवाया है और इसकी अंदर वाली साइड पे लगाया है। इसके टैसल्स की वजह से काफ़ी भारी हो गया, तो इसके अंदर वाली साइड पे लगाया है और फिर इसके ऊपर इस बॉर्डर को अप्लाई करवाया है, और फिर ये टैसल्स एंड एम्बेलिशमेंट जैसे कि पिक्चर में हैं वैसे ही लगाए हैं इसके ऊपर। इसके अंदर क्रिस्टल्स हैं, इसके अंदर टैसल्स हैं और पर्ल्स हैं। उसके बाद ये इसका फुली एम्ब्रॉयडर्ड फ्रंट है, हमने इसको स्मॉल साइज़ पे स्टिच किया है, और ये सब एम्ब्रॉयडरीज के ऊपर ही हुई हुई है। जस्ट पिंक वाला बॉर्डर जो है ये इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई थी, ये हमने यहाँ से अप्लाई करा है, बाकी एम्ब्रॉयडरीज के ऊपर हुई हुई है, और इसके बाद से गला अप्लाई हुआ है। तो ये सब कम्प्लीट गला, और उसके बाद स्लीव्स इसकी प्लेन वोवन नेट फैब्रिक है, ये उसकी प्लेन स्लीव्स हैं। ये वाला बॉर्डर स्लीव्स का जो है ये अप्लिक हुआ है, और ये इसके ऊपर एक क्रोशिया की लेस है जो कि इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। इसकी कुछ मिलती जुलती लेस इसके ऊपर लगी हुई थी, और सना सफिनास की मैं पहले भी मेंशन करती हूँ कि लेसेस एक्चुअली हमेशा सेम नहीं मिलती हैं, तो ये सिमिलर हमें मिल गई है। ये हमने लेस लगा के डाई करवाई है, एक्चुअली पहले तो ऑफ वाइट और उसके बाद फिर लगा के इसके अंदर पर्ल्स लगाए हैं, ये सब पर्ल्स लगवाए गए हैं, और ये अप्लिक फ्रंट से भी कटवर्क और यहाँ से भी अप्लिक हुआ है। उसके बाद इसका बैक है। अच्छा, बैक पर इस तरह से बंचेस बने हुए, हमने प्लीट्स इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि वेस्ट का साइज जिनका कम होता है तो इस पर प्लीट्स ऐड कर देते हैं, और बैक पर हमने पिंक कलर की पट्टी लगा के कॉटन सिल्क की जैसे फ्रंट पे था वो इसलिए, और इसके ऊपर प्लीट्स कर दी हैं। तो ये इसलिए भी किया है क्योंकि फ्रंट की लेंथ ज़्यादा हो रही थी और बैक की कम हो रही थी, और हमें एग्जैक्ट पिक्चर की तरह लेंथ करनी थी। अगर लेंथ कम करनी हो तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा जहाँ से अप्लिक होगा। बाकी ये कि बैक भी काफ़ी हैवी है इसका। उसके बाद इसका दुपट्टा है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, नॉट कॉम्प्लिकेटेड बट ये कि मुश्किल था, मतलब इसको जो है पूरा कटवर्क हुआ है साइड से। अच्छा, नेट का दुपट्टा है इसका, इसका अर्ज काफ़ी छोटा है, चौड़ाई इस दुपट्टे की कम हो गई है। ये सारे ऑल साइड पे कटवर्क किया है और उसके बाद फिर इस पर ऑल साइड्स पर वो लगवा पर्ल्स लगवाए हैं। इसी तरह से इसके पल्लू भी राउंड हो गए हैं, ये सब ऑल साइड्स पर कटवर्क हुआ है। सो ये इसका दुपट्टा हो गया और फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, नेट का दुपट्टा है ये। कलर इसका काफ़ी अच्छा है, बस इसका अर्ज जो है वो थोड़ा सा छोटा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो इसके पल्लू हैं वो सेपरेट बॉर्डर्स दिए हुए थे, तो हमने उसको एप्लिक से जॉइंट किया है। ये सब एप्लिक हुआ है, इसके इनसाइड पर आउटलाइन नज़र आ रही है, सारे ये पल्लू जो है एप्लिक हुए हैं, और ऑल वाली जो अदर साइड्स हैं जो लॉन्ग साइड्स हैं ये कटवर्क हुए हैं इस तरह से, इसके बाहर आउटलाइन हुई है, और ये जो पल्लू हैं ये हमने अप्लाई करा है, लेकिन इसका ये राउंड सा पर वो बन गया है, एजेस स्क्वायर नहीं है। ये है दुपट्टा। वैसे तो शर्ट भी अच्छी खासी फॉर्मल है, बट दुपट्टे के साथ जो है वो और ज़्यादा अच्छा फॉर्मल हो जाता है, और फिर इसके ऑल साइड्स पर पर्ल्स लगाए हैं इस तरह से। उसके बाद उसकी ये लूज कॉटन की पैंट है, जैसे कि पिक्चर में थोड़ा सा बेल बॉटम स्टाइल सिला हुआ था तो वैसे ही सिया है हमने, और लेस जो पैंचे पे लगी हुई है इसकी कुछ सिमिलर सी मिल गई हमें, हमने इस लेस को डाई करवाया है और लगाया है। ये लेस भी ड्रेस के साथ इंक्लूड नहीं है, स्लीव्स की लेस इंक्लूड नहीं है और पैंट की लेस इंक्लूड नहीं है, और कॉटन का
ट्राउज़र का फैब्रिक है, इनफैक्ट नॉट कॉटन, लॉन टाइप फैब्रिक है। कॉटन थोड़ा सा स्टिफ होता है, लॉन जो है वो और ज़्यादा सॉफ्ट सा होता है। तो ये है कंप्लीट ड्रेस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, कोई सजेशन हो तो भी ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।